कुलदीप, प्लीज मुझे कोड बता दो प्लीज। कुलदीप की हालत बहुत खराब हो रही है, वो सांस ले नहीं पा रहा है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया फील हो रहा है, प्लीज सैम कोड बता दो। कुलदीप आंखें खोलो। ब्रिजिट, टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये सब आपका माइंड गेम है। ये बीजी का कोई माइंड गेम नहीं है समायरा, ये सब कुछ मैंने किया है, ये सब मेरा प्लान था। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम प्लीज कोड बता दो। कुलदीप की सांसें रुक रही है। कुलदीप समायरा प्लीज कोड बता दो। कुलदीप सांस नहीं ले पा रहे। कुलदीप आंखें खोले रखो, कोई दरवाजा तोड़ दो ना। यार वो लेके आओ, यार हैमर लेके आओ, तोड़ना पड़ेगा शायद। शुभ्रा मैम आई थिंक सर को बचाने के लिए आपको इन्हें माउथ टू माउथ रेसुसिटेशन देना पड़ेगा। मैम थोड़ा जल्दी कीजिए मैम, कहीं देरी ना हो जाए प्लीज मैम। अब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी बीजी। बोलिए ना कि ये सब आपने किया है। आप तो बता दीजिए बीजी, ये सब आपने किया है ना? आप दादी को किस बात पे ब्लेम कर रहे हो? क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं पुत, मैं ना। दादी आप रो क्यों रही हो? किसी ने आपको डांटा क्या? ओ नहीं पुत, तुझे पता है मैं कितनी इमोशनल हूँ। वो ना इसके फोन पे मैं वो फिल्म देख रही थी, हीरो हीरोइन के बिछड़ने का सीन था ना, मैं इमोशनल होगी इसलिए। और कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ पुत। दादी अब रोया मत करो, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरी दादी सिर्फ स्माइल करते हुए अच्छी लगती है, ऐसे। तुम दोनों के होते हुए मैं सैड हो सकती हूँ भला? मुझे थोड़ा काम है, तुम जाके थोड़ा कार्टून देखो, जाओ जाओ शाबाश। पर दादी आए तो सिर्फ हमें शाम को 1 आवर ही कार्टून देखने देती है। एक घंटा मेरी तरफ से, आई कुछ नहीं बोलेगी, मैं बोल दूंगी उनको, ठीक है? जाओ हैप्पी आवर। कैसी माँ है आप बीजी? शुभ्रा को कुलदीप के पास लाने के लिए आप उसकी जान से खेल गई। तो कहना क्या चाहती है? आपको नहीं पता था कि कुलदीप को क्लोस्ट्रोफोबिया है? बंद कमरे में अंधेरे से डर लगता है उसे। मैंने शुभ्रा को खाना देके भेजा था ताकि कुलदीप के साथ कुछ समय बिता सके। मुझे नहीं पता था बिजली चली जाएगी, कमरा बंद हो जाएगा अब, और हालत हो जानी है। सही बात है, इतने साल अपने बेटे से दूर रही है, आपको क्या पता होगा कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं? माँ बीवी बच्चे सब मिलकर ना कुलदीप को परेशान करने में लगे हैं। लेकिन बीजी एक बात याद रखिएगा, कुलदीप को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। वैसे बीजी चीटिंग टेस्ट देने वाला करे ना तो बात फिर भी समझ में आती है, पर चीटिंग अगर टेस्ट लेने वाला करे तो बात और ज्यादा समझ में आने लगती है।
तो ये टेस्ट टेस्ट का खेलना बंद करते हैं बेजी, क्योंकि अच्छे पार्टनर का मतलब सिर्फ किचन संभालना, बच्चों की उल्टी पॉटी साफ करना और सास के पैरों में तेल लगाना नहीं होता है, बल्कि अपने पार्टनर की सेफ्टी इंश्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं कर रही हूं। कुलदीप ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार भी करता है आपसे, पर जरा सोचिए बीजी, जब कुलदीप को यह पता चलेगा कि आप उसके साथ चीटिंग कर रही हैं, धोखे पे धोखा दे रही हैं, शुभ्रा को जबरदस्ती उसकी लाइफ में लाने की प्लानिंग पे प्लानिंग कर रही हैं, तो कितना हर्ट होगा आपका बेटा। उसका तो जैसे माँ के रिश्ते से विश्वास ही उठ जाएगा। आप कहें तो बता दो कुलदीप को ये सब कुछ भेजे। आप ठीक हैं सर? कुछ बेटर फील कर रहे हो? मच बेटा, मच बेटा। थैंक्स शुभ्रा, आज तुम मेरे साथ थे। तुम अगर नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अब मुझे घर निकलना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन। ये शुभ्रा मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जा क्यों नहीं रही है? वैसे तो ठीक है ना, घबराहट तो नहीं हो रही? पीजी आप ये मुझसे सातवीं बार पूछ रही है कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, डोंट वरी। ठीक मैं तब नहीं था जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे। अब आप आ गई है ना, बच्चे के मन से ना डर चला जाता है जब माँ का साथ हो। Are you okay? Yeah? Huh? Yes, I'm fine. जरा सोचिए बीजी, जब कुलदीप को ये पता चलेगा कि आप उसकी पीठ पीछे उसे धोखा दे रही हैं, उसके प्यार को अपनाना, ये टेस्ट करवाना,
बात बात पर ये धमकी देना कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, पहले भी अकेली थी अब भी अकेली रह लूंगी, हाय तोबा हाय चड्डा जी। जब कुलदीप को ये सब पता चलेगा ना बीजी, तो माँ शब्द से विश्वास उठ जाएगा उसका। बता दूं, तबीयत मेरी खराब है और छुट्टी सैम को मिल गई खाना बनाने से। आज से समायरा का टेस्ट और शुभ्रा की छुट्टी कैंसिल। शुभ्रा घर में बच्चों को देख लेगी और समायरा ऑफिस। तो बीजी मैं आज टेस्ट में ओवरऑल पास हो गई मैं। थैंक यू सो मच बेटी, आप बहुत स्वीट हैं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई दादी क्या बोल रही है, अभी तो समायरा आंटी जीती भी नहीं। मम्मा आप रुको, मैं अभी सब बता के आती हूँ पापा को। तू कहीं नहीं जाएगी, तुम दोनों किसी को कुछ नहीं बताओगे। माना कि सैम आंटी जीत गई है, लेकिन कल से मम्मा की छुट्टियां भी तो खत्म। कल से मम्मा पूरे टाइम आप दोनों के साथ रहेगी। ओह यस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चट्टा जी आज आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने प्रॉमिस किया था अपनी परवरिश को फेल नहीं होने दूंगी, लेकिन बेटे के मुंह ने इतना कमजोर कर दिया, मैं खुद ही रास्ता भटक गई। मैं पेंगुइन नहीं लाया, फिर कैसे आ गए? मेरी चांद, खुशी में पेग लगाती है और दुख में आंखों से पेग बहाती। पर याद हमेशा करती है मुझे, हर बार करती है। तू बुलाए और मैं ना, ऐसा अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हार गई चट्टा जी। ओए नहीं नहीं मेरी चांद, जो मान लो तो हार है और जो ठान लो तो जीत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तुसी कोशिश करना नहीं छोड़ना, बस मत छोड़ना चाहिए। सच कहते हैं चड्डा जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं कोशिश करते रहना है, चल जो हो जाए। चांदरानी लगा दे अलार्म, नई सुबह के साथ नई कोशिश की शुरुआत करनी है। Thank you.
गो। ऋषि रोली चलो उठो। ऋषि रोली उठो। शुक्र है टेस्ट खत्म होने के बाद भी कुलदीप को बच्चों का ख्याल है। गुड मॉर्निंग। अच्छे से नींद आई? बहुत अच्छे से। सुबह सुबह मामा कितनी प्रीटी लगती है ना। हाँ, you are looking so pretty, mama. Thank you. आपको पता है दादी ने मुझे बोला था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आप ही पिक सिस्टर लगोगी। पापा मैं बड़े होके मम्मा की तरह प्रीटी लगूंगी ना। तुम तो अभी भी बहुत प्रीटी हो प्रिंसेस। क्योंकि मैं अपनी मामा की कॉपी हूँ ना। पापा मामा बहुत प्रिटी है ना। बोलो ना। हाँ, हाँ, मतलब पापा बोलो ना मामा सबसे ज्यादा प्रिटी है ना। तुम दोनों की मम्मा ना बहुत प्रिटी है। नो पापा, मैं आपको कॉल नहीं लेने दूंगी। रोली रोली बेटा फोन तो प्लीज। जब भी कॉल उठाते हो ऑफिस चले जाते हो। बेटा कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा तो मुझे फोन। रोली बोला ना नहीं दूंगी। रोली ओके चलो ठीक है मैं नहीं जाऊंगा लेकिन कम से कम बात तो करने दो मुझे। रोली रोली ऋषि फोन नहीं नहीं ऋषि फोन नहीं नहीं आप फोन पे बात कर दो। अरे काम तो करो ऋषि। बच्चों फोन दो मुझे। शुभ्रा शुभ्रा मुझे फोन प्लीज। क्या किया अब वो ऑफिस चले जाएंगे। अरे मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा लेकिन मुझे इन्फॉर्म करना होगा ना। ये तो फोन। हेलो। ओह माय गॉड चड्डा कहाँ हो तुम। हाँ कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ मैं। सैम मैं वो सोच रहा था कि सोचने का वक्त नहीं है। ऑफिस पहुंचो जल्दी इट्स अर्जेंट। बच्चों मुझे ऑफिस जाना होगा लेकिन मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा आई प्रॉमिस। उसके बाद खूब मस्ती करेंगे। हाँ पापा को जाने दो बेटा। मम्मा है ना घर पर और आज से तो मम्मा की
छुट्टियां भी खत्म तो हम लोग साथ मिलके मजे करेंगे। चल पापा को बाय बोलो। ओके 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 बस फटाफट चलो और जल्दी आ जाओ। बाय बाय बाय। मिस्टर राजकिशोर को मेरे कैबिन में भेजो। इतना महंगा सीसीटीवी आज तक कभी काम नहीं आया, पर आज ऐसे काम आएगा कि सारे पैसे वसूल हो जाएंगे।